टुडेज वीडियो फॉर क्लास सिक्स सोशल साइंस और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, क्या कभी हमने पूरी अर्थ को देखा है? अभी नहीं देखा होगा बिकॉज ग्लोब में या फिर मैप में ही आप अपनी अर्थ के बारे में पढ़ पाए और देख पाए हो। पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। जब हम इसकी एजेस की तरफ जाएंगे, लास्ट किनारे की तरफ जाएंगे तो हम स्लिप हो जाएंगे या गिर जाएंगे, ये सब पुराने टाइम में लोगों का मानना था। बट अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी हुई कि हम स्पेस में पहुंचे और स्पेस में जाकर हमने अपनी अर्थ को देखा। वहां से जब हमने अपनी अर्थ को देखा तो हमने पाया कि अर्थ इज इन स्पेरिकल शेप। अर्थ की शेप जो है स्पेरिकल है, वो अपने पोल्स की तरफ से थोड़ी सी फ्लैट है, जस्ट लाइक ऑरेंज, ऑरेंज की तरह। जैसे ऑरेंज है वो पूरा गोल नहीं होता है, ऑरेंज के ऊपर ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है, इसी तरह हमारी अर्थ भी ऊपर और नीचे से, मतलब अपने पोल्स की तरफ से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ से थोड़ी सी फ्लैटेंड है। सो हम ये मान सकते हैं कि हमारी अर्थ लाइक एन ऑरेंज है और इसकी इसी शेप के कारण इसे जियोड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या है? ये मैंने यहाँ पर ग्लोब डिपिक्ट कर रखा है। ग्लोब हमारी अर्थ जो है एक बड़ा सा स्फीयर है एंड हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम पूरी अर्थ को एक साथ देख पाए। सो मैन डेवलप्ड ए स्मॉल बट एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। लोगों ने, इंसान ने एक स्मॉल अर्थ का स्मॉल रूप, ऐसा मॉडल डेवलप किया जो एग्जैक्ट अर्थ को शो करता है। इस स्मॉल मॉडल को ही ग्लोब कहा जाता है। सो अगर ग्लोब को डिफाइन किया जाए तो ए ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल फॉर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। Globe is a true model or the miniature form of the earth. Globe एक सही model है और मिनिएचर छोटी फॉर्म है हमारी अर्थ की। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके स्कूल में ग्लोब है, ग्लोब बहुत छोटे होते हैं। अर्थ के कंपैरेटिवली ग्लोब जो है 30-40 मिलियन छोटे होते हैं। ग्लोब एक होलो स्फीयर होता है, खोखला स्फीयर होता है जिसमें लैंड एंड ओशन, लैंड और ओशंस को डिपिक्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है। आप लोग देखोगे कि इसमें ग्लोब में एक निडल फिक्स कर रखी है, एक निडल फिक्स कर रखी है जिसके कारण आप इस ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट घुमा सकते हैं, जो कि हमारी अर्थ की रोटेशन है, अर्थ की रोटेशन को शो करता है। ये अपने, ये जो टिल्टेड लाइन है, टिल्टेड झुकी हुई निडल है, ये अर्थ के एक्सेस को शो करती है जिससे हम इसको राउंड शेप में राउंड कर सकते हैं। इट मूव्स अराउंड ऑन इट्स ऑन एक्सिस विच इज इमेजिनरी लाइन, टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस। ये दो पॉइंट जिससे निडल पास हो रही है उसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिन टू पॉइंट से निडल पास करती है उन्हें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहा जाता है। आप कुछ ग्लोब के एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोब अर्थ की शेप को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, सही शेप को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एग्जैक्टली दिखाया जाता है जैसा कि हमारा रियल में अर्थ है। रियल में हमारी अर्थ थोड़ी सी अपने पोल से टेंटेड है, झुकी हुई है, जिसके कारण हमने ग्लोब को भी वैसा ही झुका हुआ बनाया है। ग्लोब में जो निडल पास की है वो भी थोड़े से टिल्ट के साथ पास की गई है। ग्लोब शोज द शेप ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स एंड ओशन।
डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ओशंस को शो करती है। ट्रू मॉडल है, वेरियस रिलीफ फीचर्स को दिखाती है। वेरियस रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स एटसेट्रा, प्लेट्यूज वगैरह, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कराती है, फाइंडिंग डिस्टेंस। जो ग्लोब के ऊपर इंफॉर्मेशन दी होती है वो हमें ये एडवांटेजेस प्रोवाइड कराती हैं। आपने किसी भी ग्लोब को देखा होगा, वो टिल्ट है, ऐसे ही हमारी अर्थ भी अपने ऑर्बिट पर टिल्टेड है। जैसे ग्लोब टिल्ट के साथ है, वैसे ही अर्थ भी अपने ऑर्बिट पर थोड़े से टिल्ट के साथ है। इट टेल्स द करेक्ट लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हर प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, बताता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। अब ग्लोब जो है एक बॉल की फॉर्म में है, स्पेरिकल है, तो ग्लोब को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना डिफिकल्ट है। ग्लोब को जब हम देखेंगे तो उसके सिर्फ वन ही पार्ट को हम देख पाते हैं, यानी एक ही साइड को देख पाते हैं, दूसरी साइड को नहीं देख पाते। ग्लोब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, बिकॉज अगर ग्लोब में देख के ये कहा जाए कि हमारा स्कूल कहाँ है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम ग्लोब पे नहीं निकाल पाएंगे। बिकॉज स्कूल अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो लोकल इन्फॉर्मेशन है, ग्लोब हमें लोकल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ग्लोब हमें नेशनल और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सो इन सारी शॉर्टकमिंग्स को, जो ग्लोब में शॉर्टकमिंग्स हैं, उन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने मैप को जनरेट किया, मैन ने जनरेट किया मैप को, मैप बनाए गए। मैप डिफरेंट टाइप के बने हैं, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका फोर्थ चैप्टर होगा, उसमें डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप ग्लोब को केयरफुली देखोगे तो इसमें कुछ लाइंस भी गिवन होती हैं, कुछ लाइंस भी ऐसे, कुछ लाइंस गिवन होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शो होती हैं। ये लाइंस गिवन होती हैं, दीज लाइंस आर टर्म्ड एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो कि हॉरिजॉन्टल है एंड लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल है, इनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। व्हेन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट्स ईच अदर, जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं ग्लोब पर, तो उसे ग्रिड सिस्टम। The latitude and longitude intersect each other on the globe form a grid system. जब latitude और longitude एक दूसरे को intersect करते हैं, cut करते हैं, उसे grid system बनता है। Grid line जो कि latitude और longitudes हैं, are a set of line used to find the exact location of a place on a globe or a map. ये latitude और longitude line का एक ऐसा set है जो ग्लोब और मैप पर एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। हम सभी जानते हैं हमारी अर्थ एक हेवनली बॉडी है जिसमें मिलियंस ऑफ नेचुरल मैन मेड फीचर्स हैं। सो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम अपनी अर्थ पर कोई भी लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। लाइक आज आपका बर्थडे है, आप अपने फ्रेंड्स को वहाँ इनवाइट करना चाहते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को घर का एड्रेस बताएंगे कि आप लोगों को मेन रोड से आना है, मेरा घर जो है वो डीएवी स्कूल के पास है, मान लो डीएवी स्कूल के पास है, एंड ऑपोजिट रामा बेकरी, एंड हेयर रामा बेकरी एंड डीएवी स्कूल आर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ योर हाउस। आपके घर के लिए ये दोनों रेफरेंस पॉइंट बनेंगे। उसी तरह जब हम ग्लोब पर कोई भी प्लेस या किसी भी कंट्री को शो करते हैं तो उसके लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट शो करने होते हैं। उन रेफरेंस पॉइंट को शो करने के लिए ही ये दो तरह की लाइनें बनी हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड।
द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रेफरेंसेज, जैसे कि हमने अभी वाले अपने एग्जाम्पल में लिया है. लेट अस स्टडी अबाउट द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन डिटेल. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड जो है इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल को मैं शॉर्ट फॉर्म में एनपी लिख रही हूं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑल्सो कॉल्ड द मेरिडियंस of longitude. Longitude को हिंदी में देशांतर रेखाएं कहा जाता है. Meridians of longitude प्रधान देशांतर रेखाएं. Prime meridian इसमें एक ये वाली लाइन जो है, this is the prime meridian. पढ़ेंगे इसके बारे में अभी. Also called the meridians of longitude. जैसे कि हम लोग latitude में पढ़ेंगे equator, north pole और south pole को half part में बांट देता है, उसी तरह longitude जो है हमारी earth को two zones में बांट देते हैं, east zone and west zone. ये वाला east zone, east and west, जिससे eastern and western hemispheres जो है वो भी बनते हैं. डिफरेंट हेमिस्फेयर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये दो तरह से बांट देते हैं. हमारे पास एक लाइन होती है यहाँ पर जीरो मेरिडियन, द वन विच पासिस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एंड ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से पास होती है नियर लंडन. द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसी को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. एंड प्राइम मेरिडियन की वैल्यू जो होगी वो 0 degree मानी जाती है, और इसके ईस्टवर्ड भी 180 degree काउंट होता है एंड इसके वेस्टवर्ड भी 180 degree काउंट किया जाता है. सो पूरा जो सर्कल होगा हमारा प्राइम मेरिडियन का, पूरा सर्कल 360 degree का बनता है. सॉरी. सो इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं अबाउट लॉन्गिट्यूड्स. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन मेजर्ड इन डिग्री, दो मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमें से डिग्री में मेजर किया जाएगा. लाइक 0 degree से आगे 30 degree, 60 degree, 30 degree, 60 degree एंड 90 degree, 120 degree, 150 degree, 180 degree, ऐसे डिग्रीज में काउंट किया जाएगा ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड. सेकेंड पॉइंट होगा, देर आर 360 degree ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. 360 degree मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होगा 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट. लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल होते हैं, आधे सर्कल होते हैं. एंड दे आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट इन पैरेलल. लेंथ इनकी इक्वल होगी बिकॉज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होंगे, बट ये पैरेलल नहीं होंगे. यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि हम पोल्स की तरफ जाएंगे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा. सो दीज आर नॉट इन नॉट पैरेलल. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज नॉट द सेम, जो कि मैंने अभी आपको बताया है. प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में, जो कि वेस्ट और ईस्ट में बांटा जाता है. ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर कहा जाता है.
अब हम डिस्कस करेंगे, सॉरी एक पॉइंट और रह गया, ईस्टवर्ड जो है उन वाली मेरिडियंस को ई से ई 30 डिग्री ई 60 डिग्री ऐसे डिनोट किया जाता है, और वेस्टर्न वाली को डब्ल्यू, वेस्टर्न वाली प्राइम मेरिडियंस, वेस्टर्न वाली मेरिडियंस को डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। अब बात करते हैं हम लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फॉर्म एन इमेजिनरी लाइन नेम्ड द इक्वेटर विच लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स। लैटिट्यूड्स जो है एक एंगुलर डिस्टेंस है इनके बीच, एंगुलर डिस्टेंस है इन लाइंस के बीच। ये लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इनमें एक लाइन होती है 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर नॉर्थ पोल को अगेन एनपी एंड साउथ पोल को एसपी डिनोट कर रही हूं मैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिड में से 2 इक्वल हाफ्स में बांट देती है, ये इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड लैटिट्यूड पैरेलल होती है एक दूसरे के, इनके बीच सेम डिस्टेंस रहेगा, यहां पे भी सेम है, सेंटर में भी सेम है ऐसे। एंड जैसे लॉन्गिट्यूड में जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं डिस्टेंस कम होता जाता है, जबकि लैटिट्यूड में ऐसा कुछ नहीं है। लैटिट्यूड्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। लैटिट्यूड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में इक्वल डिस्टेंस होता है, बिकॉज लैटिट्यूड्स में इक्वेटर लैटिट्यूड जो है वो सबसे बड़ा सबसे लार्जर लैटिट्यूड है, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को 2 इक्वल हाफ में बांटता है। लैटिट्यूड्स को 90 डिग्री से, यहां से 90 डिग्री से स्टार्टिंग होती है, देन अगेन डिग्रीज में मेजर किया जाता है। 90, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 0 डिग्री, इस तरह लैटिट्यूड्स को मेजर किया जाता है। लैटिट्यूड में इक्वेटर जो है दो पार्ट में बांटता है, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, एंड नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, ऊपर वालों को जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ऊपर वाले जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको एन से डिनोट किया जाएगा, एन 15 डिग्री एन 30 डिग्री एन 45 डिग्री एटसेट्रा, और नीचे वाले जो लैटिट्यूड्स हैं साउदर्न पार्ट वाले हैं उन्हें एस से डिनोट किया जाएगा। हर एक लैटिट्यूड अपने आप में सर्कल है, जबकि लॉन्गिट्यूड हमने देखा था सेमी सर्कल्स है, और लैटिट्यूड्स जो है पूरा सर्कल है। All parallel of latitude are not equal in length. Length में equal नहीं है. Their length get decreased as one move northward or southward towards either of the pole. जब southward यानी south की तरफ या north की तरफ जाते हैं, हमारा latitude का circle जो है वो छोटा होता जाता है. Distance between two parallel of latitude is always equal, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को. And आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या नोट्स बनाएंगे, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री, लैटिट्यूड 90 डिग्री से स्टार्ट होंगे, इक्वेटर क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बट आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो आप नोट्स की फॉर्म में अपनी नोटबुक में गैदर करोगे। अगली वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, एंड होप आप काम कर पाओगे अच्छे से, नोट्स बना पाओगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और यूट्यूब पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चंस जो भी आपके होंगे वो पूछ सकते हैं।
थैंक यू।